नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थम्सन मार्ग। वृश्चिक राशि वालों, बन रहा है नीच भंग राजयोग और ये बनेगा 22 जून से लेकर 8 अगस्त तक। मंगल नीच के होकर कर्क राशि में बैठे हैं और 15 जुलाई तक नॉनस्टॉप किस्मत चमकने वाली है। फिर जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तब उसके बाद से फिर से स्थितियाँ आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शनि की 7:30 चल रही है। लग्न में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और हर हाल में आपकी रक्षा भी करेंगे, कहीं कोई परेशानी होने ही नहीं देंगे। हम बात कर रहे हैं नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग यानी वक्री शनि और नीच के मंगल दोनों मिलकर बना रहे हैं और ये नीच भंग राजयोग आपको बेहिसाब पैसा देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, भाग्योदय करेगा, स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखेगा। और इस समय अगर आप एक पुखराज, पीला पुखराज, वैसे हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको कहा है पुखराज पहनने नहीं पहन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पीली हल्दी की गांठ सूखी हो या गीली हो, आप अपनी अंगूठे के बाद वाली उंगली यानी बृहस्पति की उंगली जिसे हम कहते हैं पहली उंगली, उसमें धारण करें। बृहस्पतिवार की सुबह शुक्ल पक्ष में पीले धागे में, गले में या फिर बाह में या पॉकेट में भी रख सकते हैं पीले कपड़े में लपेट कर। दोस्तों, यकीन मानिए इस समय का बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है मंगल और शनि का जब संबंध बन जाए तब क्या होता है? आपके करियर में धीरे धीरे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती चली जाती है और आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यहाँ पर चूँकि मंगल नीच का है इसलिए आपको थोड़ी सी हड्डियों की समस्या या पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के मामलों में 50% ज़्यादा परेशानी नहीं है पर फिर भी, और हमेशा ही लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा। धन के मामले में ये नहीं कि बहुत सारे पैसे आ रहे हैं तो चलो भाई किसी के भरोसे काम नहीं, पैसे के मामले में आप बहुत संभल के रहिए वरना आप फंस सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। वैसे भी आपके जीवन में स्थिरता शनि पर ही निर्भर करता है, ऊपर से शनि की 7:30 चल रही है वो भी अंतिम चरण में, तो आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं, इन सभी चीज़ों से आप मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि इस समय जब शनि के अच्छे अच्छे योग बने तब हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि हनुमान जी के सामने, हनुमान जी का जो आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन जाएगा तो शनिदेव खुद ब खुद आपको अच्छे अच्छे प्रभाव देने लगेंगे और चाहकर भी आपका बुरा नहीं करेंगे। वैसे भी इस समय आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर योग बन रहे हैं गोचर में और आप कहीं ना कहीं आपको इसके बेनिफिट भी मिलेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे दर्शक हमें बहुत गालियाँ दे रहे हैं लेकिन दोस्तों, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जैसी हमने देखा सुना वैसा ही हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, गोचर में ग्रहों की पोजीशन के अनुसार ही हम बताते हैं। अब आपके जन्म कुंडली में कैसा आपके जन्म के समय ग्रह थे ये आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है लेकिन फिर भी अगर ब्रह्मांड में अच्छे शुभ ग्रह बनते हैं तो उसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलते हैं 50% मामलों में। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान के मामले भी आपके सुलझते नज़र आ रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और मंगल और बुध नवे भाव में बैठ कर आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और धनवान भी बनाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, नीच भंग राजयोग में स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए उससे लाभ हो तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।